हेलो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के टाइप्स उनकी प्रॉपर्टीज़ और उनके कुछ एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे और यदि हम इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हैं तो शटेलियस प्रिंसिपल के हेल्प से हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट से हम यह जानते हैं कि किसी भी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उनके प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स के एक्टिव मास का रेशियो होता है यदि हम एक्टिव मास को मोलर कंसेंट्रेशन के टर्म्स में लिखते हैं तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को केसी कहते हैं वहीं अगर हम एक्टिव मासेस को पार्शियल प्रेशर्स के टर्म्स में लिखें तो इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट को केपी कहा जाता है अगर हम यह रिएक्शन ले लें और इसके लिए सी का एक्सप्रेशन लिखें तो यह आता है कंसनट्रेशन ऑफ सी टू दावर शोक्योमेट्रिकेशन ऑफ डी टू दावर शोक्योमेट्रिकेड बाई कंसनट्रेशन ऑफ ए टू दावर शोक्योमेट्रिक कोफिशियंट ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी टू दावर शोक्योमेट्रिक कोफ़िशिएंट ऑफ बी वही अगर हम सेम एक्सप्रेशन के लिए के पी का एक्सप्रेशन लिखें तो वह हमें इस तरह मिलेगा पार्शियल प्रेशर ऑफ सी टू द पावर स्टोक्योमेट्रिक कोफिसियंट ऑफ सी इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ डी टू द पावर स्टॉक्योमेट्रिक कोफिसियंट ऑफ डी डिवाइडेड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ए टू द पावर स्ट्रोक्योमेट्रिक कोफिसियंट ऑफ ए इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी टू पावर स्टोक्योमेट्रिक कोफिशियंट ऑफ बी तो चलिए देखते हैं के सी और के पी के बीच में क्या रिलेशन होता है यदि हम यह रिएक्शन लें और इसके लिए के पी का एक्सप्रेशन लिखें तो वह हमें कुछ इस तरह मिलता है यदि हम यह मान लें कि रिएक्शन में सारे गैसेस आइडियल गैसेस की तरह बिहेव करती हैं तो हम यहाँ पर आइडियल गैस इक्वेशन का यूज़ कर सकते हैं इस इक्वेशन को अगर हम थोड़ा सा करें तो हमें मिलता है पी इज इक्वल टू एन बाई वी आर टी और हमें पता है मोल्स बाई वॉल्यूम कंसंट्रेशन के इक्वल होता है तो किसी गैस का प्रेशर की कंसनट्रेशन इंटू आर टी के इक्वल आएगा यदि हम गैस ए का पार्शियल प्रेशर लिखें तो वह इक्वल हो जाएगा कंसनट्रेशन ऑफ ए इंटू आर टी सिमिलरली बी का पार्शियल प्रेशर कंसेंट्रेशन ऑफ बी इंटू आर टी सी का पार्शियल प्रेशर कंसेंट्रेशन ऑफ सी इंटू आर टी डी का पार्शियल प्रेशर कंसेंट्रेशन ऑफ डी इंटू आर टी के इक्वल होगा अगर हम सारे पार्शियल प्रेशर्स की वैल्यूज़ को KP के पी के एक्सप्रेशन में पुट करें और कंसनट्रेशन वाले टर्म्स को एक तरफ लेके आए तो हमें एक्सप्रेशन मिलता है के पी is equal to concentration of c to the power stoichiometric coefficient of c into concentration of d to the power stoichiometric coefficient of d divided by concentration of a to the power stoichiometric coefficient of a into concentration of b to the power stoichiometric coefficient of b into rt to the power c plus d minus a plus b agarham इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखें तो कंसंट्रेशन वाले टर्म्स केसी के के इक्वल आ रहे हैं तो के का एक्सप्रेशन हो जाता है के सी इन टू आर टी टू दावर डेल्टा एन जी जहाँ पर डेल्टा एन जी चेंज इन गैसियस मोल्स होता है तो आप इस रिलेशन को याद कर लीजिए चलिए एक क्वेश्चन की मदद से इस कॉन्सेप्ट को और डिटेल में समझते हैं तो हमें फॉलोइंग रिएक्शंस के लिए केपी और के सी के बीच में रिलेशनशिप बताना है तो वीडियो को यहाँ पर पॉज करिए और दो मिनट का समय लेकर सॉल्व करने की कोशिश करिए तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहली रिएक्शन जो कि है एन टू प्लस थ्री एच टू गिविंग अस टू एन थ्री सबसे पहले हम डेल्टा एन जी की वैल्यू निकालते हैं जो कि इक्वल होगा समीशन ऑफ गैसियस मोल्स इन प्रोडक्ट माइनस समीशन ऑफ गैसियस मोल्स इन रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट के साइड में गैस के मोल्स दो हैं और रिएक्टेंट के साइड में टोटल गैस के मोल्स हैं फोर तो डेल्टा एन जी की वैल्यू हो जाएगी टू माइनस फोर इज इक्वल टू माइनस टू तो के पी और के सी के बीच का रिलेशन आ जाएगा के पी इज इक्वल टू के सी इन टू आर टी टू द पावर माइनस टू वहीं दूसरे रिएक्शन के लिए की है फाइव अस थ्री प्लस टू डेल्टा एन जी की वैल्यू पता करें तो यह आता है टू माइनस वन तो के पी और के सी के बीच में रिलेशन आ जाता है के पी इज इक्वल टू के सी इन टू आर टी वही अगर हम तीसरे रिएक्शन की बात करें जो कि है H2 टू प्लस आई टू इज इक्वल टू टू एच आई यहाँ पर डेल्टा एन जी की वैल्यू जीरो है क्योंकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के साइड में दो दो गैशियस है मोल्स हैं तो इस केस में केपी के सी के इक्वल आ जाता है तो ध्यान रहे अगर किसी भी रिएक्शन में डेल्टा एन जी की वैल्यू जीरो होती है तो वहां पर केपी और के सी दोनों इक्वल होते हैं आई होप अब आप डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस के लिए केपी और के सी के बीच में रिलेशनशिप बता सकते हैं